पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के शांति नगर में दो गुटों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला हुआ है, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये पुराना विवाद था, बच्चों के बीच में क्रिकेट मैच को लेकर ये विवाद हुआ था कई महीने पहले, और इसी मामले को लेकर कल शाम के वक्त दोनों पक्षों में आपस में फिर विवाद हुआ और यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई, और मारपीट भी जमकर हुई। लाठी डंडे धार धार हथियार यहाँ पर खूब चले। बताया जा रहा है कि इसकी वीडियो भी अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें घायल हुए लोग ज़मीन पर पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वारदात के बाद भिवंडी पुलिस ने पूरे इलाके में बंदोबस्त बढ़ा दिया था, और आपको बता दें कि जिस तरह से ये हमला हुआ, इस हमले में जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम है जुबेर शेख, इश्तियाक शेख, अबू हमजा शेख, आसिफ वहाब शेख, साजिद वहाब शेख, शहबाज शेख, नायाब शेख, ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान जुबेर शेख की मौत हो गई है, पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है। आज सायंकाळी साधारण 6:45 वाजण्याच्या सुमारास KGN चौकाजवळ सहा नंबर 12 आहे, तर सहा नंबर 12 शेजारी राहणाऱ्या दोन गटामध्ये हाणामारीचा प्रकार झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याकडे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये एक गुन्हा दाखल आहे, त्या पूर्वीच्या वादाच्या कारणावरून आज हे भांडण झालेलं आहे। या भांडणामध्ये आता दोन्हीकडची लोक जखमी आहेत, त्यांचं आता आम्ही सगळ्या जखमींची माहिती घेऊन पुढील कारवाई करत आहोत। किती जखमी आहेत आणि कोणाचं मयत वगैरे पण आहे? याच्यामध्ये साधारण 5 लोक जखमी असल्याची माहिती मिळालेली आहे, त्यापैकी एक इसम मयत आहे, आणि त्याप्रमाणे आता पुढची कारवाई सुरू आहे। पूर्वीचा जो वाद होता तो कशावरून झाला होता? पूर्वी क्रिकेट खेळण्याच्या कारणावरून मुलांचा वाद झाला होता, आणि तेच कारणावरून आजही पुन्हा त्यांच्यात भांडण झालेलं आहे।